नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अभिनेत्री पूनम पांडे का जल्द ही एक गाना रिलीज होने वाला है। इससे पहले उनके पति सैम बॉम्बे उर्फ सैम अहमद ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक वीडियो शेयर की है। वीडियो में पूनम मानोकोनी में बारिश का मजा लेते दिख रही हैं। बाद में दोनों ने एक कार्यक्रम में इसे लेकर खुलासा किया कि वो वीडियो गाने की शूटिंग के वक्त की थी। इस दौरान पूनम पांडे ने बताया कि उनके पति चीजें डायरेक्ट करने में इतने माहिर हैं कि उन्होंने गाने के लिए पूनम पांडे को फिश टैंक में घंटों बिठाए रखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूनम कहती हैं, ये काफ़ी परफेक्टनिस्ट है, जब भी ये चीज़ें डायरेक्ट करते हैं तो वह शानदार साबित होती है। इन्होंने मुझे 4 घंटे तक फिश टैंक में बिठा कर रखा, वह भी सॉकर्स के साथ। इतनी देर बिठाया, मैं कांपने लगी थी। पूनम की ये बातें सुनने के बाद सैम ने मीडिया को साफ किया है कि वह बहुत बड़ा फिश टैंक है, छोटा सा नहीं है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि छोटे से फिश टैंक में इसे डाल दिया, मतलब आप इन दोनों की तालमेल देख सकते हैं, कोई कुछ और बता रहा है तो कोई कुछ और। वहीं सैम अहमद ने बताया कि वह लोग अभी सॉन्ग को शूट कर रहे हैं। इस गाने के सिंगर और कंपोजर उनके दोस्त हैं जो इस समय लंदन में हैं। उन्होंने ही पूनम और सैम के 2 गाने भेजे हैं। सैम कहते हैं कि एक गाने के लिए बड़ा क्रू और डांसर जरूरी है, लेकिन दूसरा गाना शूट होना शुरू हो गया। ये गाना एंटीमेड गाना है, इसमें सैम और पूनम शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने इस गाने के लिए 70% शूटिंग कर ली है। बता दें, पिछले साल 10 सितंबर को शादी करने के बाद दोनों पति पत्नी काफ़ी विवाद में आए थे। गुपचुप तरीके से शादी करने वाले बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम पांडे के पति सैम अहमद बॉम्बे को पुलिस ने गोवा में गिरफ्तार कर लिया था। उनके खिलाफ पूनम ने मोलेस्टेशन, धमकी देने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। मामले में दर्ज शिकायत के मुताबिक दक्षिण गोवा के कानकोना गांव में पूनम पांडे किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। ये घटना तभी हुई थी। कनकोना पुलिस थाने के इंस्पेक्टर तुर्कू राम के मुताबिक पूनम ने अपनी शिकायत में कहा था कि सितंबर 21 की रात के उन्हें पति सैम अहमद ने उन्हें मॉलेस्ट किया और मारपीट की। इतना ही नहीं, पूनम ने यह भी कहा था कि सैम अहमद बॉम्बे ने उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इसके अलावा पूनम पांडे ने कहा था कि अब वह सैम अहमद बॉम्बे के पास वापस नहीं जाएंगी। उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए थे कि वह बहुत जल्द आधिकारिक तौर पर अपना रिश्ता खत्म कर लेंगी। हालांकि भारी विवाद के बाद भी दोनों साथ हैं। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।